जैन साथियों, कैसे हो आप? से मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आईटीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर के गाइज एग्जाम रेट के बारे में बात करेंगे। आपका स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है और फ्रेंड्स इसमें आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं होंगी, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने फॉर्म भर रखा है आईटीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर वाला, अगर आपका एग्जाम पास हो रखा है इसमें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आईटीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर जो कि आपकी पोस्ट का नाम है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करूं, आपकी टोटल वैकेंसीज में 134 हैं, 134 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं इसमें। और कई स्टूडेंट का डाउट था कि सर इसमें हमारी वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। मैंने भी कई बार आपको बताया है वैसे भी, ठीक है। मैं पहले बोलता था कि इसमें वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी, लेकिन दोस्तों मैं इसमें आप कह रहा हूँ कि आपके वैकेंसीज बढ़ने के चांस पूरे पूरे हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों जब आपकी भर्ती है आपकी काफी टाइम से चलती आ रही है, तो इसमें स्टूडेंट कुछ ज्यादा पास हुए हैं, इसलिए बहुत चांस हो जाता है आपकी वैकेंसी कम से कम बढ़ेंगी, ठीक है। ये नहीं कि 400-500 हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वैकेंसी आपकी इसमें इंक्रीज होंगी। आप मान के चलिए बात, इसमें अब इसमें आपकी वैकेंसी 100% बढ़ेंगी अब, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको स्किल टेस्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। बिल्कुल बेटर कहते हैं ना भाई कि आप जाओ स्किल टेस्ट में बिल्कुल पास करके आओ। किस स्टूडेंट स्किल टेस्ट में इसमें पक्का फेल होंगे आप मान के चलिए। वैसे कह देते हैं कि गाड़ी चलाना बहुत आसान है, ये है, लेकिन उनका तौर तरीका कुछ अलग ही होता है। तो प्लीज आप अच्छे से स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। और स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके चेक कीजिएगा आपको स्किल टेस्ट कैसे पास करना है। वो वीडियो देख के आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे स्किल टेस्ट को लेके, और आप वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट डेट है। तो स्टूडेंट का कमेंट था कि सर स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है हमारा, तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो कि मोदी जी ने कल ही अनाउंस किया कि 3 मई तक आपका जो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, मतलब कम से कम 3 मई तक लॉकडाउन है अब, ठीक है। और साथ साथ एक अनाउंसमेंट और हुई होगी, आपको पता ही होगा कि कुछ सेंटर्स खुलेंगे, मतलब कुछ जो ऑफिस होते हैं जिसकी हमारे है, मतलब हरियाणा मान लीजिए कि जो हरियाणा डिपार्टमेंट के जो ऑफिस है खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कई डाउट्स रहते हैं, तो वो भी अब ओपन होने वाले हैं। तो इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि अभी आरटीपी अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाली है, और आपका स्किल टेस्ट बहुत ही जल्दी होने वाला है। क्या सुना आपने? आपका जो स्किल टेस्ट दोस्तों बहुत जल्दी होने वाला है, आपको तैयारी में जुट जाना है अब, ठीक है। फ्रेंड मांगे चलिए 15 मई कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, 15 मई के बाद आपका सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ये आरटीपी को लेके, जो आपका स्किल टेस्ट है इसके बारे में आप पूरी तरह से आप तैयारी कर सकते हो। और मई के महीने में आपका स्किल टेस्ट होगा। क्या सुना आपने? मई के लास्ट वीक में आपका स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड जब दोस्तों आएंगे मैं अपनी सबसे पहले वीडियो बना दूंगा और अपने चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आपके स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है मेरा, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो, आप वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो यार, मैं आपका ही भाई हूँ, तो प्लीज यार थोड़ा भाई को प्यार दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कुछ सजेशन हो कुछ डाउट्स हो प्लीज मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब 100% दूंगा दोस्तों, ठीक है। चैनल आपका ही है भाई, आपको चलाना है। अगर आपको कुछ भी वीडियो में डाउट लगता है आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो इस भर्ती के बारे में, फिर क्या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो, और किसी भी रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनानी हो आप मुझे वो भी बता सकते हो। आपका कोई भी टॉपिक हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हो आप मुझे आराम से कमेंट कर सकते हो, बेझिझक मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। फ्रेंड थैंक यू सो मच, आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच यार, आप पे कितना प्यार देते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो चैनल सब्सक्राइब भी करते हो, तो थैंक यू सो मच, आप सबको दिल से थैंक यू यार, एंड थैंक यू सो मच।